राम राम भाई सारा ने माँ अपना विकास कौशिक और मेरा साथ है मेरा भाई विकास गोड। हम आए हैं भिवानी से 25 किलोमीटर दूर, इस तरफ अपना गोलपुरा और इस तरफ है सलवास। इसके मध्य में एक जगह बना रखी है पुराना समय में किसी धनी सेठ ने बनाई पानी पीण का तर, जिससे दोनों का माँ का अपना पानी पिया करता, इन्हें गोलपुरा का ही पानी पिया करता और सलवास का ही पानी पिया करता। और उसने बनवाया भाई ये जोड़, देख लियो इसमें आवारा पशु हो अर्ची गांव के पशु हो पानी पीना आया करते। अब मैं हमने बताऊंगा कि इस कुओं का इतिहास कितना पुराना है, अरे इस कुओं के पीछे ऐसी कौन सी कहानी छिपी हुई है जिसने जानने के लिए बहुत व्यक्ति उत्सुक रहे हैं। आप हम बात करेंगे, ये देखो भाई कुआ 300 फुट तक ज़्यादा गहरा है और इसमें ऐसा सीढ़ा पानी लिगड़ा करता कि नू समझ लो आज की फ्रीज फैल, कोई फ्रीज भरी ज़्यादा चक्कर नहीं। लेकिन मैं थामने न्यू बताऊंगा कि यो कुआ बनवाया क्यों कर और इसके पीछे किसी कहानी जुड़ी हुई है। यो जो आप रास्ता देखने लग रहे हैं यो कच्चा रास्ता था पुराने समय में और यो जोड़ा करता रोज तक झुंझुनू दारडू का एक व्यक्ति आया करता जो दागाड़ा मारा तो भाई आसपास में उसका खूब नाम लिया जा है और घना बढ़िया आदमी था भाई। वो रोज तक था अपना डाक लेगी झुंझुनू जाना और झुंझुनू तर रोज तक। आपने बेरा है कि भिवानी रेगिस्तानी भूमि में शामिल कराया जाए और आज भी हम देखोगे ये देखो कितने बड़े बड़े टिब्बे हैं, पानी भी नोजला का द्वारा लगा कर खेती करी जा है। तो सोचो पुराने समय में किसा टेम रहा होगा जो गाड़ा उरा का जानदा जो धनी सेठ था उसके माताजी का देहांत हो गया भाई। तो उसने बताया, उसने सोचा भाई इस आदमी कन फूल गलवाए जा, जो बतावे तावड़ा चलिया जा तसली का काम करके आवे। तो वो बोलिया पंडित जी ये जोड़े दो हाथ मेरी माता के फूल गा लिया। तो ला चल भाई, वो फूल गालन चल गया और ऐसा तेज स्पीड तक गया कि पुराने समय में खाना इतना बढ़िया शुद्ध देसी खाना आया करता। गया जल्दी आ गया, उसने के टेम लगे था भाई फूल गा लिया तो सेठ का मन में काला हो गया भाई। लीला ना का मन में काला हो गया भाई, लीला गया है कौन तू? उस वो बोले भाई मन ने उड़े बिहानी के आदमी मिले उन तक संपर्क कर ले तू। सेठ ने उन घरों पूछी तो पता चलिया आज भाई वो गया था। उनने बताई भाई जब हम पूछे तो यो गंगा में तो निकलने लग गया था। तो सेठ इस बात का शर्मिंदा हो गया और उसने बताई अगर भाई गया था तो घबराहट। अब भाई पंडित जी था इतन तो गलत कह दी, ला भाई जोधा गढ़ा ये जोड़े दो हाथ रुपये ले ले कितने भी, जोधा गढ़ा पानी का तिसाया क्या के रुपये ले ले, ला भाई रुपये रुपये कौन सी हैं देख मैं जासू झुंझुनू तेरो तक और रोज का काम सर राई में पानी पीने का कितने जुगाड़ नहीं ले काम कर सलवास के बीच में एक कुआ बनवा दे, पशु भी पानी पी लेंगे जोड़ खुदवा दे। तो बोला भाई कोई बात नहीं चल। देखो भाई यू कुआ बनवाया, ये देख दीवार इतनी बारह बारह दीवार बना रखी है, इतना 200 साल का पुराना इतिहास है इसका, जाए टूट जाता लेकिन भाई धीरे धीरे चीज होने उसका प्रयोग बंद कर दो वह चीज जर्जर हो जाएगी। इसका साथ साथ इस कुआ का साथ साथ उस धनी सेठ ने एक नीचे दो कमरे का भी निर्माण करवाया भाई, आनिया आदमी डटे पानी पीवे आराम करे और आगे चले। तो देखो भाई मैं थमने नीचे ले जाके वह कमरे दिखाऊंगा और कमरे भी इसे बना रखे हैं भाई, भाई टूटने का तो काम में को नहीं ईब बीच में आराम तय आदमी रेस्ट कर लो। ये देखो भाई उस टाइम के जोड़ हैं हमारे गांव की, ये गोलपुरा गांव की जो पंचायत है उसने थोड़ा बहुत काम तो कराया हुआ है, एक ये कोई बोर बार लगाया लेकिन धीरे धीरे क्या हुई अगवा चीज़ भी को नहीं चली। या देखो भाई या है वह यही तो कमरा देख, ये कमरे हैं भाई आज वर्तमान समय में इन कमरा में आपके युवा आज दारू पीने लगे अन चीज़ा का मिस यूज कराया जाने लग रहा है। ये देख लो भाई यो से यो थमने एक कमरा दिखाऊं, ये देखो पहला कमरा यो है।
इस कमरे में किसी टाइम आदमी रेस्ट कराया कर सामने लग गए है। अरे देखो छाया तेने लद्दाख ही बना रखी भाई, तो जुगाड़े को साल पुरानी चीज ई बताई खड़ी से। तो इसके पीछे पहली बात के है कि एक तो ये बनाई बढ़िया और बनाने की इच्छा शक्ति बढ़िया, पैसा लगाने की हिम्मत बढ़िया और दानी बढ़िया। यह चीज काम आई, आसपास का गांव वाला ने आराम कराया, पानी पिया, रागीर आंदे जाते रहे और इसका गुणगान करते रहे। मैं था हमने था हमने सोचो कि यह चीज दिखाई क्यों भाई, धीरे धीरे हमारा इतिहास है और ये देखो भाई रे यह चीज देखने की है। देखो कितनी सुंदर कारीगरी राखी है, बहुत बढ़िया कारीगरी राखी है भाई। इतनी कारीगरी अपना राम मंदिर बनेगा उस तरह मीसी कारीगरी हो जाता, ओहो मजे आ जाए भाई। लेकिन धीरे धीरे मेरा के है बदल गए, कारीगर बदल गए, सारा काम बदल गया। मैं था हमने एक बात बताऊंगा भाई सारा भाईजन, अगर आपके गांव के आसपास गांव का में ऐसा कोई चीज है जिसका इतिहास पुराना रहा है और उसके इतिहास के साथ साथ उसकी जो कहानी है वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, तो भाई सारे भाई डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर दे रखा है, उस पर कांटेक्ट करो, अपने गांव की एरिया की जो पुरानी चीज से उन्हें जनता के सामने लेके आओ ताकि बेरा पाट सके कि अपना इतिहास कितना पुराना रहा है। और अपना हरियाणा का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है, यहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजा का टीम अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति जिन्होंने त्याग कराया बलिदान कराया और ऐसी दानी व्यक्तियों के द्वारा ऐसी जो इमारतें हैं उनका निर्माण करवाया गया। सभी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे द्वारा दी गई जो आपको जानकारी है वो कैसी लगी, और लाइक करना है और शेयर पक्का करियो भाई ताकि बेरा पटे कि अपने हरियाणा में इसी इसी चीज़ भी हैं और हरियाणा में छोड़ो बिहानी में भी इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। तो भाई सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि ऐसी जो हमारी इतिहास की पुरानी बातें हैं उनको जनता के सामने लेके आए। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय गुमा।